हरे कृष्णा, मैं नवनीत व्यासास्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सो आई एम लाइव अगेन नाउ एंड देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम इन द बिगिनिंग व्हेन आई वाज ट्राइंग टू गेट लाइव और यहां पर कहीं ना कहीं विल स्टार्ट विद दी वास्तु महावास्तु सेशन और हम यहाँ पर आज घर के वास्तु के बारे में बात करेंगे। सो विल बी डिस्कसिंग दी वास्तु ऑफ होम, राइट। तो घर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए, कैसा वास्तु होना चाहिए, इन सब चीजों का आज डिटेल में विश्लेषण करेंगे। बहुत सी चीजें आप लोग इसमें सीखने वाले हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू लर्न टुडे फॉर श्योर, बिकॉज इसमें एक चीज है कि आपके घर के अंदर लक्ष्मी, वृद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इन सब चीजों को कैसे बैलेंस किया जाता है, उस चीज की आज वास्तु क्लास है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई भी ऐसा है जो सुख, शांति, लक्ष्मी की प्राप्ति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस अपने जिंदगी में नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर मेरे साथ जुड़ गए हैं पंकज अग्रवाल जी, जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका। नीरज जी जुड़ गए हैं, अनंत कुमार जी। देखिए मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा आज, बिकॉज आज का जो सेशन है वो लंबा सेशन है, इसमें बहुत सी चीजें आज हमको सीखनी है। अलका दीदी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पर अलका दीदी ने अपना नेम को अलखा कर दिया है। आज से मैं बात करूंगा, मे बी सम लॉजिक, न्यूमरोलॉजी लॉजिक इज देयर इन दैट, तो इट्स वेरी नाइस व्हाटएवर यू डू। सो यहाँ पर दीपक मदान जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत। राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। सो ऋचा लूथरा जी भी जुड़ गई है मेरे साथ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत बहुत स्वागत ऋचा लूथरा जी, आपका चरण वंदना आपको। और आज का जो सेशन है वो स्टार्ट विद वास्तु, घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। देखिए लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको 16 डायरेक्शंस जो वास्तु की निकलती महावास्तु की, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। मैंने 16 डायरेक्शंस में से किसी भी डायरेक्शन के देवता और उसकी एसओपी के बारे में नहीं बताया था और आज भी नहीं बताने वाला। दैट इज गोइंग टू बी दी नेक्स्ट पर्टिकुलर लेसन जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। बट आज जो जैसे मैंने आपको 16 डायरेक्शंस के बेसिस समझाए थे, उसी तरह से मैं आपको 16 डायरेक्शंस के बेसिस घर में कैसे होते हैं, राइट। अब घर में ऐसा नहीं हो सकता कि 16 की 16 डायरेक्शंस आपके घर में ना हो। चाहे आप साउथ फेसिंग घर में रहते हैं, स्टिल यू हैव 16 डायरेक्शंस। आप नॉर्थ फेस में रहे, ईस्ट फेस में रहे, वेस्ट फेस में रहे, हर जगह आपको 16 डायरेक्शंस अपने घर में मिल जाती हैं। आप उनको बड़े इजीली निकाल सकते हैं, राइट। बट द पॉइंट इज कि जैसे मैंने वो 16 डायरेक्शंस के आपको बेसिस बताए थे, ऐसे ही घर के अंदर वास्तु के भी कुछ बेसिस होते हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आज आपको इस सेशन के अंदर बताऊंगा। सो जब तक क्लास स्टार्ट होती है, अनदर 30 सेकेंड्स, आई वॉन्ट एवरी वन टू शेयर दी वीडियो, लाइव वीडियो, सो दैट यू नो दी अदर पीपल, बहुत से लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ जाए। सो आई हैव रश्मि जी जुड़ गई है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका, राइट। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी आज के लेक्चर में यही कोशिश रहेगी कि आपको मैक्सिमम ऑफ दी मैक्सिमम आपको सिखा दिया जाए, राइट। बिकॉज इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हर चीज के कुछ बेसिक्स होते हैं और यहाँ पर वास्तु के जो बेसिक्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट द स्क्रीन इज ओके, जस्ट लेट मी नो बिकॉज इट इज जस्ट गॉट टिल्टेड। ओके, आई थिंक इट इज ओके। सो आप लोग मेरे साथ लाउड एंड क्लियर आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई होप द नेटवर्क इज फाइन, प्लीज लेट मी नो इफ द नेटवर्क इज फाइन एंड यू पीपल कैन यू नो understand and hear me loud and clear. Okay. So lot of people have shared. Let's start Mahavastu. First question before I start this class. You know, our body as a human being, we have 16 directions of our body as well. मैंने जो आपको last time बताया था, जो हमने एक ऑक्टागन ड्रॉ किया था, उसके बिल्कुल सेंटर में मैंने आपको एक स्थान बताया था जिसको बोलते हैं ब्रह्मस्थान। Okay, so right in the center we have something called ब्रह्मस्थान, right? उसी ब्रह्मस्थान से आगे हम 16 डायरेक्शंस निकालते हैं। इसी के बीच में से अगर लाइन लगा दूं ऐसे तो 8 हो गई, फिर 22.5 डिग्री पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो एवरी 22.5 डिग्री द डायरेक्शन चेंजेस। ओके, नाउ We have 16 directions of our body. तो क्या मुझे यहाँ पर कोई ये बता सकता है कि हमारे शरीर में भी एक ब्रह्मस्थान होता है जहां से इंसान की उत्पत्ति शुरू होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ प्लेसेंटा इन दी वूम। वूम के अंदर प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा एक एम्बिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। उस कॉर्ड से बच्चे की उत्पत्ति शुरू होती है एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द नवल होल। वो जो एम्बिकल कॉर्ड है वो नवल होल पे जुड़ी होती है। सो दैट नवल होल बिकम्स द ब्रह्मस्थान। जस्ट लाइक विष्णु जी के नवल होल में से ब्रह्मा जी उत्पत्ति हुई थी, नाभि में से, दैट इज कॉल्ड नाभि। सो दैट इज द ब्रह्मस्थान। एंड देन वी ऑल्सो हैव अवर डायरेक्शन। इफ वी पुट आवर हैंड लाइक दिस, right, and stand, we can represent all the four directions from north to south, from west to east, right? हम सारी directions को अपने शरीर में देख सकते हैं, okay? So that means our body has energy of all the 16 directions. इसीलिए वो 16 directions जो मैंने आपको last video के अंदर बताई थी, वो आपकी body को affect करती है, आपके मन को, आपकी ऑरा को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कुंडली में साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर राहु डिस्टर्ब है। अगर नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है तो केतु और बृहस्पति डिस्टर्ब है आपकी कुंडली के अंदर। अगर नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है तो चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है। सो दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ दोज प्लैनेट्स एंड इफेक्ट ऑफ दोज डायरेक्शंस आर कमिंग ऑन योर बॉडी। आपके शरीर पे इन सब चीजों का इफेक्ट आता है। यू नो व्हेन यू डू वास्तु सबसे पहले घर का किया जाता है, घर के बाद एक कमरे का वास्तु किया जाता है, लेकिन उससे पहले भी यू हैव टू अंडरस्टैंड योर नेटल चार्ट और आपने अपनी डायरेक्शंस का भी देखना है। आप जानते हैं कि एक कुंडली में एक प्लैनेट की पर्टिकुलर पोजीशन से, फॉर एग्जाम्पल शुक्र देवता ये बता देते हैं कि आंखों की कैसी प्रॉब्लम रहेगी इंसान को। इफ यू हैव आईसाइट प्रॉब्लम, इट इज विद वीनस। इफ यू हैव स्किन प्रॉब्लम, इट इज विद वीनस। आपका 11वां भाव कुंडली का और तीसरा भाव आपके ईयर्स और इस एरिया को फ्रॉम राइट शोल्डर, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर प्लैनेट्स की पोजीशन जो है बताती है कि आपकी बॉडी में कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। सेम अप्लाइज टू वास्तु आल्सो। वास्तु में आपकी कुंडली में से 16 डायरेक्शंस जो है वो क्लियरली देखी जा सकती हैं, बिकॉज द बेस, द ब्रह्मस्थान इज द नवल होल व्हिच इज अटैच्ड व्हेन यू आर बोर्न टू एन एम्बिकल कॉर्ड, टू अ प्लेसेंटा। फ्रॉम द इंटायर फूड एंड नरिशमेंट जो है वहां से जाती है। नाउ मेरा पहला सवाल वास्तु को लेके, घर के वास्तु को लेके आप सब लोगों के साथ है। अगर आपको ये 16 की 16 डायरेक्शंस को, इस रेस को अगर आपने चेक करना हो, जानना हो, हाउ विल यू डू इट? व्हाट इज वन थिंग दैट यू यूज at home to look at the chakra, the aura of your body and also see? अपने आप को 16 की 16 डायरेक्शंस को देखने के लिए आप क्या चीज यूज करते हैं पूरे घर के अंदर? Any guesses? If you want to look at yourself from all the directions, what is one thing that you use? Tell me one thing, वो चीज बताएं जो आप अपने आप को 16 डायरेक्शंस में देखने के लिए यूज करते हैं। टेल मी वन थिंग। लेट्स बी लॉजिकल, लेट्स बी वेरी वेरी सिंपल, लॉजिकल, बिकॉज वास्तु को समझने के लिए वन हैज टू बी लॉजिकल फर्स्ट, बिकॉज विदाउट लॉजिक मेरे को कोई भी रेमेडी या पढ़ाने का किसी भी टीचर का कोई मतलब नहीं है। So Sahil Jain is saying stomach. Yes, stomach is the Brahmasthan. I agree. Anant Kumar is saying compass. Compass से हम 16 directions देखते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी 16 directions को देखना है, you know, अपने आप को 16 directions से देखना है, what will you use? और वो चीज आप सब लोगों के घरों में विराजमान होती है। एवरी हाउस हैज दैट थिंग, एवरी हाउस। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल हाउस, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल हाउस जहां पर वो चीज विराजमान ना हो। एंड नीरज जी कह रहे हैं मिरर, द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। आई हैव गिवन यू सो मेनी हिंट्स टू अंडरस्टैंड। आप सुबह उठते हैं, आप वॉशरूम में जाते हैं, द फर्स्ट थिंग यू लुक एट इज द मिरर। आप शीशा देखते हैं, राइट? और मिरर का ही सबसे बड़ा वास्तु दोष घर में विराजमान होता है। द फर्स्ट दोषा, द फर्स्ट प्रॉब्लम व्हेन आई एंटर समबडीज हाउस फॉर अ वास्तु is the mirror, because mirror is the reflection of your energy. Mirror is the reflection of your energy. कभी गुरु महात्मा अगर घर पे आए, आप देखना गुरु महात्मा को कभी भी शीशे में देखने की आदत नहीं होगी, never. They will avoid mirror because the energy, the positive energy that they are carrying, that can be reflected. वो reflect हो जाती है. One has to be very, very careful with the placement of mirror. This is my first Vastu remedy at home. Without making any structural changes, बिना स्ट्रक्चर की चेंज किए बिना, मैं आपको सबसे पहले तो वास्तु से मिरर की पोजीशन आपके घर में बताना चाहूंगा और किस प्रकार के दोष मिरर को कहां पे पड़े होने से आपके जीवन में आते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए, जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, बहुत से दोष आने शुरू हो गए। आज हम फर्नीचर खरीदने जाते हैं, वार्डरोब खरीदने जाते हैं, वार्डरोब के अंदर मिरर लगा होता है। वन साइड आर डिफरेंट ब्लॉक्स जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं, एंड ऑन द अदर साइड देयर इज ऑलवेज अ मिरर। मिरर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स माँ लक्ष्मी की पिटारी। आप जब मंदिर में, आपने देखा कभी सुहाग पटारी, करवा चौथ वाले दिन जो एक सुहाग का छोटा सा किट होता है, जो माँ जो लेडीज जो है, बहनें हैं, माताएं हैं, जो चढ़ाती हैं, जिसको मनसते हैं, उसमें मिरर होता है। देयर इज अ वेरी स्मॉल मिरर विच इज देयर, it is part of the auspicious things. जो एक auspicious चीजें हैं उसका वो पार्ट होता है वो मिरर। It is presented and it is part of any kit जो अनुष्ठान में यूज होती है। Mirror is always there. But now the reflection of your positive energy, your aura, we have everywhere at home. हमारे घर में कहीं भी मिरर आ जाता है। यहाँ पे नीरज जी कह रहे हैं मिरर एक्सटेंड्स दी जोन एरिया। यस, इट डज। इफ यू हैव पॉजिटिव एनर्जी, यू विल नेवर वांट योर एनर्जी टू बी रिफ्लेक्टेड। आप हमेशा ये चाहोगे कि मैं डायरेक्ट इस बंदे को ब्लेस कर दूं और सीधी एनर्जी इसको दे दूं। जिस दिन आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई, आपको मिरर की जरूरत नहीं है किसी को ब्लेस करने की, बिकॉज इट इज अ रिफ्लेक्शन। आई एम वेयरिंग दिस कलर, आप इस कलर को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी आईज ये कलर रिफ्लेक्ट कर रही है। अदरवाइज अगर आपकी आईज ये रिफ्लेक्ट करना बंद कर दे तो आप मुझे ब्लैक एंड व्हाइट देखोगे। एक बीमारी भी होती है जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। आई हैव सीन पीपल हु आर कलर ब्लाइंड व्हिच इज अ दोष। सो मिरर एट होम बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वास्तु because all your 16 directions are visible in that mirror and they are going to reflect each other. The biggest vastu dosh at home is the placement of mirror, the first one, because mirror becomes the most important reflective material, auspicious मटीरियल। आपको पता है जब पुराने जमाने में शादी की जाती थी, एक लड़की को दहेज में शीशा जरूर दिया जाता था, बिकॉज दैट गर्ल यूज टू टेक दी एनर्जी। वो एक एनर्जी घर से लेके जाती थी उधर, और उसकी रिफ्लेक्शन भी घर में रह जाती थी फॉर अ सिंपल रीजन कि वो पॉजिटिविटी लेके आगे जाए। एवरी किट दैट यू मेक ड्यूरिंग दी वेडिंग, सब लड़कियां मेकअप किट तैयार करती हैं, दे विल ऑलवेज हैव मिरर इन इट बिकॉज इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट, इट इज गोइंग टू शो योर ब्यूटी एंड अगलीनेस। दोनों चीजें आपको शीशा दिखाता है, आपकी ब्यूटी भी, आपकी अगलीनेस भी। When you are not feeling well, आपको शीशा देखने का दिल नहीं करता। आप कहते हैं ना मुझको शीशा देखने का दिल नहीं करता, मैं इतना ऐसे हो गई हूं या ऐसा हो गया हूं। So mirror position at home, घर पे मिरर की जो पोजीशन है, that is one of the most critical things in वास्तु, और लोग इसको समझते नहीं है। कलयुग के अंदर मिरर की पोजीशंस घर पे हर जगह पर है, विच इज रॉन्ग। सपोज यू हैव साउथ वेस्ट एरिया, नाउ साउथ वेस्ट एरिया बिलोंग्स टू राहु। आपने देखा ना, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया कि राहु की पोजीशन कौन सी है। उसमें मैंने आपको बताया राहु साउथ वेस्ट में होते हैं, मंगल साउथ में होते हैं, शनि वेस्ट में होते हैं, और इनके बीच में राहु होते हैं। सो नाउ यू हैव मिरर हियर इन द साउथ वेस्ट। व्हाट विल हैपन, इमेजिन अगर आपकी कुंडली में राहु वेल प्लेस्ड नहीं है, सपोज दैट राहु इज नॉट वेल प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप, इमेजिन, and now you are reflecting southwest की energy, you are distributing that energy। जो problems राहु create कर रहे थे आपकी कुंडली के अंदर, राहु की महादशा अंतरदशा चल रही थी और राहु की वजह से problems आ रही थी, now they are going to multiply, they are going to multiply। You will do all the remedies, आप राहु की सारी रेमेडीज कर लेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। प्रॉब्लम कहां पर है कि साउथ वेस्ट में मिरर लगाया होगा आपने, आपको पता ही नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने आपको सारी राहु की रेमेडीज करवाई, आपने राहु का मंत्र 1,00,000 बार कर लिया, पूजा करवा ली, जाप करवा लिया, स्टिल नो रिजल्ट। होता है ना आप सबके साथ ऐसा। यू गो टू डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स, यू गो टू डिफरेंट पीपल, एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, आपका जो बिलीफ है, आपका जो बिलीफ है वो खराब होना शुरू हो जाता है। आपका बिलीफ सिस्टम इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी गोज बैड। इट विल एनहेंस राहु एनर्जी, फैमिली इश्यूज विल कम, पीपल आर सेइंग फाइनेंशियल इश्यूज विल कम। Of course, साउथ वेस्ट की जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, चाहे पैसा भी आपको मिल जाए, आपको नेम फेम भी मिल जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन साउथ वेस्ट आपके बच्चों को खराब कर देता है वो एरिया। अगर किसी की औलाद खराब निकल जाए ना, उससे बड़ा दुर्भाग्य का काम कोई नहीं होता। आपकी औलाद कैसी निकलेगी ये आपके उस जन्म के कर्मों पे डिपेंड करता है कि आपने कर्म कैसे किए हैं। सिंपल। और साउथ वेस्ट का एरिया बच्चों की बुद्धि खराब कर देता है अगर राहु आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड ना हो। Isn't that simple? Isn't that simple? Suppose it goes to southeast now. South is an Agni कोण, ये अग्नि का कोण है। जहां जैसे ये दैत्य कोण है, ये अग्नि कोण है। People will become extremely short-tempered. You are going to activate Pitra dosha. Simple. No rocket science. And on top up, if you have Pitra dosha in your chart, if you have problems related to Agni Rashi, fire signs, there are fire signs in the chart. One, 5 and 9. They are fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. You have problems, you have difficult planets sitting in 1, 5, 9. You will have problems if you put mirror in southeast. Again, 5th house children, creativity, 9th house luck, bhagya, foreign travel, long distance travel, lagna is your health. You will face problems. Ideally, our Shastras have said that mirror should be placed either in northeast or in the north or in the east, because northeast का जो एरिया है वो ईशान कोण है। ईशान कोण की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि ईशान कोण क्लैरिटी लेकर आता है। And what do you expect in a mirror? Clarity. Clarity is what you expect out of a mirror. And clarity of directions are in northeast. Now mirror should be placed in northeast first. Now you will say, oh my God, we have a bedroom in the southwest. साउथवेस्ट में हेड ऑफ दी फैमिली को बेडरूम दिया जाता है। एंड नाउ यू सडनली रियलाइज दैट यू हैव अ मिरर। आपके घर में बेडरूम में मिरर है जो कि 90% लोगों के वार्डरोब में है। या तो बेडरूम के साथ आगे वार्डरोब है, फिर वॉशरूम है, या बेडरूम के अंदर ही एक अलमीरा, उसको खोलते हैं, सामने मिरर है। 90% ऑफ द पीपल वी हैव। We should see first the direction of home, then we should see the direction of room, because जो वास्तु है वो 3-4 स्टेजेस पर है, 3 या 4 स्टेजेस पे होता है। It's that simple as that. वास्तु सबसे पहले किस चीज का देखा जाता है? वास्तु सबसे पहले प्लॉट का देखा जाता है, प्लॉट के बाद रूम का देखा जाता है, और उन सबसे पहले आपका कुंडली का वास्तु देखा जाता है। स्टेप नंबर 1 इज योर हॉरोस्कोप। टेक इनपुट फ्रॉम हॉरोस्कोप, गिव इट टू अ वास्तु गाय, जस्ट लाइक स्कैनिंग ऑफ योर हार्ट ऑफ योर बॉडी पार्ट स्कैनिंग करवाने के पास रिपोर्ट लेके, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेके आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, दैट्स हाउ वास्तु शुड बी। सो नाउ व्हाट हैज हैपन, नॉर्थ ईस्ट में आपका शीशा होना चाहिए। अभी आपके घर में शीशा चेंज नहीं हो सकता, करना भी नहीं है, क्योंकि वास्तु स्पेशलिस्ट होने का मतलब क्या है कि मैं आपका घर तुड़वा दूं या मैं आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दूं घर के अंदर? नो, आई विल नॉट डू इट, बट स्टिल आई विल गिव यू अ रेमेडी। मैं इसके बावजूद भी आपको एक रेमेडी दे सकता हूं, वेरी सिंपल रेमेडी, सारे वास्तु दोष खत्म, all the vastu doshas gone. All you have to do is कि आप अपने मिरर के सामने कर्टन लगा दें। Now many people will ask me, नवनीत सर, what color? कौन से कलर का हमें कर्टन लगाना है? सिंपल है, मिरर है, you can call a carpenter, उसको ढक दें। उसको यूज तब करें जब आपने अपना चेहरा देखना है या तैयार होना। दैट्स सिंपल। चाहे वो साउथ वेस्ट में है, चाहे वो साउथ ईस्ट में है, आते जाते आपकी रिफ्लेक्शन उसमें नहीं आ रही है। यू डोंट सी योर रिफ्लेक्शन, यू डोंट सी योर पॉजिटिव और नेगेटिव। नो, वेस्ट इज नॉट फाइन। The only area which is fine for the mirror is northeast. लोगों ने वेस्ट भी बना लिया, नॉर्थ भी बना लिया, बहुत कुछ निकाल दिया वास्तु के अंदर। Solve crap. Stick to the basics. If your basics are right, it is in west, it is in south, it is in east. कहाँ भी है, मैं आपको रेमेडी दे रहा हूं ना। How does it matter now? अब वो क्या मैटर करता है कि वो वेस्ट में है या साउथ में है या साउथ ईस्ट में है? इट डज नॉट मैटर। आई एम गिविंग यू द रेमेडी। रेमेडी इज जस्ट कवर द मिरर। जो आपके घर में शीशा है उसको कवर करके रखें। नाउ पीपल विल से दैट वी कवर इट थ्रू अ वुडन स्लैब। यस, यू कैन, आप कर सकते हैं। आप वुडन स्लैब से भी कवर कर सकते हैं। आप उसका कोई कवर भी बना सकते हैं। आप उसके ऊपर कोई कर्टन भी लगा सकते हैं। एनीथिंग दैट यू वांट, यू कैन डू इट। विशाल इज सेइंग नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इज गुड। सी अगेन वी हैव 16 डायरेक्शंस। आई सेड नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट विल ऑल्सो कवर नॉर्थ ईस्ट, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू द माइन्यूट 16 directions right now, because that can be seen through horoscope. North में कौन सा planet होता है विशाल जी? Which planet is there in the north? And which planet is there in the northeast? That's the question. And you have to see कि वो planet जो north में है, वो आपकी कुंडली में कैसा है? But I am just discussing the ideal situation. I'm just discussing the ideal situation. Yes, इंद्रा is saying नॉर्थ में बुद्ध होते हैं, बिल्कुल बुद्ध देव होते हैं। और आपका बुद्ध ही मारक हो, बुद्ध ही खराब हो, what will you do? How will you think? And नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्ट के अंदर जुपिटर होते हैं। And if your Jupiter is bad, it is मारक and it is giving you struggles. You have mirror in northeast, will put you in trouble. But 90% cases, the mirror should be in the northeast. But if you have it in any direction, just cover it. आप उसको cover कर दें। यहाँ पे राम शर्मा कह रहे हैं कि I remember my grandparents used to cover dressing table mirror with thin cover always. Yes, yes, क्योंकि आपके grandparents को उनके grandparents ने बेसिक्स सिखाए थे जिंदगी जीने के। यहां पर रश्मि कह रही है केतु इज वेल प्लेस्ड देन साउथ ईस्ट इज फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल केतु इज नॉट प्रेजेंट इन द साउथ ईस्ट। रश्मि सॉरी Ketu is exactly opposite of Rahu. So if Rahu is in the southwest, Ketu will be in the northeast. Simple. Okay? Ketu is not in the southeast. Ketu southeast में नहीं होते हैं. Ketu is in the northeast. That is why it is considered as the spiritual planet. Simple. So you have to cover the mirror. मेरे पास एक क्लाइंट आए मेरे साउथ इंडिया से. साउथ इंडिया में इष्ट देवता कुल देवी और कुल देवता का पता होना बहुत जरूरी है. One must know कि उनकी कुंडली में, उनके जीवन में इष्ट देवता, कुल देवता, ये सब कहां पर है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल रियली वॉन्ट टू नो अबाउट इष्ट देवता एंड कुल देवता एंड कुल देवी. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक अ स्मॉल मिरर. बहुत छोटा सा एक आप शीशा लें और आप मंदिर में रख दें. Wherever your temple, घर पे अगर आपने कोई पूजा का स्थान बनाया हुआ है वहां पर आप छोटा सा एक मिरर रखते हैं. अगर आपके दादा परदादा या उससे पहले भी कोई पूर्वज किसी कुल देवता, इष्ट देवता या कुल देवी को मानते थे एंड somehow आपकी generations ने उसको मानना समझना बंद कर दिया, रुक गए एंड नाउ द चेन इज डिस्कनेक्टेड एंड नाउ इन कलयुगा यू आर नॉट अवेयर, यू नॉट अवेयर. बट वो कुल देवता, वो इष्ट देवता आपके घर पे आते जरूर हैं. एवरी अदर डे और मे बी वंस इन 15 or 15 days or a month, and they feel disappointed कि nobody is preaching them anymore, nobody is praying in front of them anymore, the connection is lost. तो घर में आपके problem, financial problems, चीजों का delay होना, ये सब आपके life में शुरू हो जाता है. How कैन वी नो कि हमारे कुल देवता या हमारे इष्ट देवता जो हमारे पूर्वज प्रे किया करते थे, उनको हम जान सकें? आपको छोटा सा एक मिरर मंदिर में रखना है. कुल देवी की रिफ्लेक्शन उसमें आएगी. सवा महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपके कुल देवता, मे बी अ मैसेज फ्रॉम अ गुरु और पंडित और ज्योतिष, आप उनसे मिलोगे, आपको पता लग जाएगा और उनकी पूजा घर में शुरू हो जाएगी, वास्तु दोष खत्म होने शुरू हो जाएंगे. एज सिंपल. पंकज जी कह रहे, वन समवन सेड मी दैट प्रिवेंट वास्तु दोष ऑफ साउथ साइड मिरर यू शुड फिक्स स्वास्तिक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर. इफ दैट वर्क? यस, इट वर्क्स, इट वर्क्स बिकॉज स्वास्तिक हैज पावर. तो अभी क्या कर रहे हो आप? स्वास्तिक की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो. बट देन सपोज वो जो वॉल आप यूज कर रहे हो, जो भी वो वॉल है आपके साउथ के ऑपोजिट की, जो नॉर्थ की वॉल है, एंड सपोज मर्करी और जुपिटर और सन इज नॉट वेल प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप, यू विल हैव नो इफेक्ट्स बिकॉज वो ब्लॉक्ड है. वो एरिया इज ब्लॉक विद ब्लैक एनर्जी, विद डार्क एनर्जी. सो द बेस्ट रेमेडी इज टू कवर द मिरर. द बेस्ट रेमेडी इज टू कवर द मिरर. लेट्स नॉट हैव एनी रिफ्लेक्शंस. हम पास बाय करते हैं उसके तो हमारे पास रिफ्लेक्शन ही ना आए. दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू. सो व्हेन विल यू कवर द मिरर? Today or tomorrow? You have to do it today itself. Do it today itself and call me in 15 days and tell me कि आपके घर का माहौल, आपके बिजनेस का माहौल, आपके घर का ऑरा कितना चेंज हुआ है, how much it has changed, how much positivity are you getting। जो now and then जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती थी वो कम हुई कि नहीं हुई, और कहीं से 1.25 महीने 1.5 महीने के अंदर आपको अपने कुल देवता, इष्ट देवता का पता लगा कि नहीं पता। डू इट राइट नाउ। आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड 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 पेरेंट्स यूज टू डू इट। और अगर घर पे शीशा टूटा हुआ है कहीं पे साइड से, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, इट्स अ मेजर वास्तु दोष। कभी कभी शीशा रिफ्लेक्शन देख देख के ऐसा हो जाता है कि चेहरा बड़ा छोटा लगने लग जाता है, लंबा चेहरा लगने लग जाता है, चौड़ा चेहरा दिखने लग जाता है। चेंज इट इमीडिएटली चेंज इट, बिकॉज देन दी एनर्जी, आपके घर की पूरी एनर्जी ही खराब हो गई है। वी लॉस्ट दी एनर्जी। One should never ever keep a defective mirror at home। नहीं होना चाहिए। It is the first thing of your energy, first thing। If you don't change that thing, no matter how many astrologers you visit, जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप चले जाओ, जितनी मर्जी आप रेमेडीज कर लो, none of the remedies will work, none of the remedies will work। Cover the mirrors today, use it as and when required, simple। Don't keep it open every day, all 24/7, especially the mirrors that are in the bedroom। आजकल तो बेड भी ऐसे हैं जो शीशे वाले हैं। I see beds, because of their design, on the toe of the bed, on the back of the bed, on the rear of the bed, there are mirrors। Yeah, no, washroom mirrors are fine। Niraj ji, washroom mirrors are fine, be it in any direction, because washrooms we do not use 24/7। How much do we use a washroom? In 24 hours, the commutative total of a washroom usage will be 2 to 3 hours। 21 hours we are not using washroom। 21 hours we are not using washrooms। So cover it, change it, and the most important thing, I have 2 mirrors in the bedroom, the northwest। Cover them, my friend। I was talking about those beds। Never ever purchase a bed that has mirror on the rear। So-called honeymoon beds, please do not use them। They will never ever bring good energy। While shaving, excellent question, excellent question, Shiv Sharma ji। How to use mirror while shaving? The mirror should not be kept like this। आपके हेड से नीचे अगर मिरर होगा, आपको जिंदगी भर फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी। लोग बेड पे बैठ जाते हैं, जो शेविंग का बॉक्स होता है उसी को मिरर का ढाल बना लेते हैं और नीचे देख के शेव करनी शुरू कर देते हैं। देन दे स्टार्ट शेविंग। यू विल नेवर एवर हैव मनी इन योर लाइफ। यू विल ऑलवेज हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ऑलवेज, ऑलवेज मींस ऑलवेज। मिरर शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड लिटिल अहेड और राइट इन फ्रंट। 90 डिग्री के एंगल पे, 180 डिग्री के एंगल पे, या थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, इवन इफ यू वांट टू शेव। दैट इज व्हाई जो नाई का शीशा होता है वो नीचे से लेकर ऊपर तक होता है टू कैंसल दी वास्तु दोष, वहां से प्रॉफिट आता है ना उसको। शिव शर्मा से आया आई लेवल, फाइन परफेक्ट, बाथरूम में खड़े होकर कर लीजिए, आई लेवल पे कर लीजिए, नीचे नहीं होना चाहिए। द मोमेंट द मिरर इज डाउन यू आर लोअरिंग द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ नॉर्थ ऑफ योर फेस। फेस इज व्हाट यू आर एक्चुअली। How do we recognize you from your face? You go down, look at the mirror, reflection. No. सिर कब झुकता है? जब बंदा हार जाता है। कब झुकता है सिर? When you lose. And you're giving that energy of being loose to the mirror every day in the morning if you are shaving. Absolutely wrong. It should be at the eye level. Or it should be little above the eye level. If you are doing it, change it right now. Give me a call in 15-20 days. 15-20 दिन में कॉल करके मुझे चेंजेस बताएं आप क्या वास्तु चेंज करेंगे? You pay lakhs and lakhs of rupees to वास्तु स्पेशलिस्ट कि मेरा नॉर्थ है, नॉर्थ में ये कलर कर दीजिए, ये यहाँ से हटा के वहां रख दीजिए। What is this all nonsense about? Just go to basics first. Just follow those basics जो आपके forefathers, आपके grandparents follow करते थे। If you cannot follow the basis of our shastras, अगम और निगम को उठा के देखिए, पढ़िए अगम और निगम को, उसमें क्या लिखा है मिरर के बारे में आपको पता लग जाएगा। लोगों ने अगम और निगम का नाम नहीं सुना होगा। वेद पुराणों में, शास्त्रों में मिरर का वर्णन है और वो कैसे यूज करना चाहिए उसका भी वर्णन है। बट नाउ वी आर गोइंग टू एवरी टॉम डिक हैरी वास्तु स्पेशलिस्ट हु इज टेलिंग यू, यू नो, 30 डिग्री हियर, प्लेस दिस हियर, प्लेस दिस हियर। दे आर नॉट इवन लुकिंग एट द मेजर वास्तु थिंग्स। दे आर नॉट आस्किंग यू योर रूटीन, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट योर हॉरोस्कोप। हाउ कैन यू डू अ रियल वास्तु? Ask yourself today when I am giving you this knowledge, when I am giving this information, how many of you say I am right? Just say yes here. Just comment yes if you think that I am right. I am whatever knowledge I am giving you in absolute right direction. I have told you about basis of Vastu. Now I am telling you the basis of your home Vastu. Just start from it first. I was telling you कि you keep one mirror in your temple. घर पे जहां पर आपका स्थान है वहां पर आप एक मिरर रखें और उस मिरर से जब भी आपका कुल देवी, कुल देवता, जिनको आपके फोरफादर्स, एंसेस्टर्स प्रे करते थे, उनकी एनर्जी जब आएगी तो उनको अपनी एनर्जी उनको मिरर में नजर आएगी मंदिर के अंदर। एंड दे विल रियलाइज कि ओ, ये मिरर उन्होंने मेरे लिए रखा है क्योंकि उस मिरर में कोई तस्वीर नहीं है। शीशा दिखाया जाता है, जो भी मिरर के सामने आता है उसके लिए शीशा दिखाया जाता है। हम भगवान को, उस देवता को शीशा दिखा रहे जिनको हम भूल गए हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं है। यू अंडरस्टैंड? दिस इज द लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक। और जिस एंसेस्टर को आपके दादी परनानी फॉलो करते थे उसका सपना आएगा आपको, स्वप्न आएगा आपको, कोई गुरु मिलेगा आपको, कोई फकीर मिलेगा, हो सकता है आपको कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिले जो आपको आपका कुल देवता, आपका इष्ट देवता बतावे। एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट and then that is the point, that is the point where life will change. That is one point, that one U-turn where all your difficulties will be now over and something new will start. Simple, very simple, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। The only thing is कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वास्तु होना चाहिए। A good astrologer, a very good astrologer, if becomes a Vastu specialist, he can change your life. See, a very small mirror. और मंदिर का भी मैं आपको एक रूल बता दूं, लोगों के घर में मंदिर है और मंदिर भी खुला रहता है सारा दिन, जय हो, होल डे। आपको भी अपने घर का मंदिर, जो लोकल मंदिर है, जैसे यू सी द रियल टेम्पल्स, उसकी तरह खोलना और बंद करना चाहिए। यू शुड हैव अ मिरर, अ स्मॉल मिरर, एंड देन यू शुड हैव अ कर्टन। वृंदावन जाते हो ना आप सब लोग, कर्टन होता है ना सामने, मंदिर के टाइमिंग्स होते हैं खुलने के, आपके ऑफिस के टाइमिंग्स होते हैं। रात को सोने से पहले मंदिर को बंधा देना चाहिए। अगर आपका रात को भी मंदिर खुला रहता है, इट्स अ वास्तु दोष। जस्ट स्ट्रेट सामने। Indra is asking where to place that mirror. You have this temple like this. Suppose this is temple, and this is the center. बहुत छोटा सा मिरर, अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा, बिल्कुल सेंटर में रख दो। आपकी कुल देवी आएगी, अपने आप को उसमें देखेगी, आपको ब्लेस करके चली जाएगी, आपको याद आ जाएगी, आपकी एनर्जी में कुल देवी ऐड हो जाएगी। That's simple. And this remedy I have done with so many people, and they said, सर हमें सवा महीने के अंदर हमें पता लग गया कि हमारे इष्ट देव कौन है। वी हैड ड्रीम्स ऑफ द इष्ट देव, हमें सपने आए हमारे इष्ट देव के, बिकॉज इष्ट देव इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू सक्सेस। वो आपके नेविगेशन में शॉर्टेस्ट पाथ आता है ना, वो शॉर्टेस्ट पाथ इष्ट देव होते हैं, वो शॉर्टेस्ट पाथ इष्ट देव होते हैं। Yes, Purnima ji is saying that yes, we are Vaishnavs and we keep curtain to our mandir. Yes, keep curtain. Sir, those who don't follow astrology due to their religion or some other reasons maybe don't have exact date of birth. How should they do vastu, or would it give an effect? See, मैं एक महीने में नीरज जी कम से कम 15 ऐसी कंसल्टेशन देता हूँ उन लोगों को जिनके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है। एक कुंडली विष्णु जी ने हमारे शरीर पे बना के भेजी है, और वो कुंडली है हमारी हथेली। यहां पर सब कुछ है। मैं नॉर्थ इंडिया में एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को जानता हूं, आई डोंट नो वेदर इज देयर और नॉट, इज प्रिटी ओल्ड, जो हाथ देखकर कुंडली बनाते थे। उनके साथ असिस्टेंट बैठा होता था और वो कहते थे, अच्छा मेष लगन है बेटा, लिख एक नंबर, मेष लगन है इसका, सूर्य चौथे घर में, इसका लिख दे बेटा, इस नक्षत्र में है, चंद्रमा यहां है सातवें घर में। आप वो कुंडली सॉफ्टवेयर से निकाल लो, एग्जैक्टली द सेम। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ज्योतिष किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करता। मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं कि जितने हिंदू मेरे को कुंडली दिखाते हैं, उतने ही मुसलमान भी मेरे को कुंडली दिखाते हैं, उतने ही सिख भी मेरे को कुंडली दिखाते हैं, उतने ही फॉरेनर्स भी मेरे को कुंडली दिखाते हैं। इसीलिए बार बार मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, मुझे आदत पड़ गई। मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी में लेक्चर रखो, बट देन आई अगेन गो बैक टू इंग्लिश। ज्योतिष किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करता है। यस यस रश्मि, बिकॉज योर कुल देवता हैज गिवन दिस ड्यूटी टू मी टू टेल यू दीज थिंग्स टुडे इटसेल्फ। यस यू राइट। ज्योतिष किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करता, जैसे भागवत गीता किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करती है। Bhagavad Gita is a presentation given by Krishna to Arjun, a small presentation of 18 adhyayas that how to live your life and what is karma. The rest you leave it on me. It does not belong to any religion. If Russians and Americans are reading as a compulsory subject, then how Bhagavad Gita is religious? It is not religious. Similarly, astrology, Jyotish has nothing to do with religion. Nothing to do with religion at all. It is a science, and science cannot be interlinked to any religion. A formula for a Hindu, for a Muslim, for Isai, for Sikh is same. बाजार में मेडिसिन मिलती है ना, वो मेडिसिन लिखा है कि ये सिख के लिए, सिख भाई के लिए, ये मेरे मुस्लिम भाई के लिए ये मेडिसिन है, और ये हिंदुओं के लिए मेडिसिन, और ये मेडिसिन सिर्फ क्रिश्चियन लेंगे। नो, दैट डे आई वॉज लाइव and there was a gentleman from Pakistan who was following me, और मैंने उसकी कंसल्टेशन दी थी पाकिस्तान से। एस्ट्रोलॉजी डू नॉट हैव रिलीजन। लक्ष्मण जी को जब नाग बाण लगा दिया तो हनुमान जी वैद को लंका से उठा लाए, और उनको राम जी ने समझाया कि तुम्हारा धर्म क्या है एज ए डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट। उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया, उनका हल बताया। एस्ट्रोलॉजर इज लाइक दैट। ऑल दी कंट्रीज, ऑल दी रिलीजन्स आर वेलकम। दी ओनली थिंग इज एक मातृभूति, हाँ, जो दुश्मन है हमारे, दे आर नॉट वेलकम। आई विल नेवर एवर गिव कंसल्टेशंस टू माई एनिमीज। हाँ, लेकिन अगर एनिमी भी हमारी शरण में आ गया तो युद्ध का ये रूल है, युद्ध का यह रूल है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दैट मिरर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैड 5 थिंग्स टू एक्सप्लेन टुडे and I have covered 1 hour only on one thing. Do you want me to continue to the second thing, or should I come back tomorrow with the वास्तु class? डिटेल में मेरे पास 5 चीजें हैं, सिर्फ 5 चीजें गिन के आपने ठीक करनी है घर की, सिर्फ 5 चीजें, ओनली 5 थिंग्स। उन 5 चीजों को अगर आपने ठीक कर दिया, उसके बाद आपको सांस आने लगेगी घर में। But things are better now. Things are going far better now. Far better now. तो ये एक चीज है जो मैंने समझाई आज 1 घंटे के लेक्चर में। कल फिर वास्तु की क्लास रखेंगे, कल फिर से वास्तु की क्लास रखेंगे और दूसरी चीज समझाऊंगा। 100% you will see the results. बिकॉज दूसरी चीज मैं 15 मिनट में नहीं समझाना चाहता, उसको भी 1 घंटा देना चाहता हूं, ताकि आपको विश्वास हो जाए साइंटिफिकली कि जो भी मैंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। आजकल साइंस का जमाना है साहब, बिना साइंटिफिकली समझाए पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट? सो आई विल कम टुमारो once again with the Vastu class, and till then I want each one of you to share this video so that it can benefit so many people, and we are blessed from the mother nature. माँ लक्ष्मी should bless each one of us. यहीं पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, कल फिर आऊंगा। Till then, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।